अक्षय जी, एक बात आपको याद करा दूंगा जी। बिल्कुल याद। आपने कहा प्रोडक्शन हाउस मेरा ठीक चल रहा है, मैंने एक इंटरव्यू में आपसे पूछा कि जी मैं प्रोडक्शन प्रोड्यूसर नहीं बनूंगा कभी। ये फिर क्या लगा कि आप दूसरे पैसे आपके नाम से कमा रहे हैं, मैं खुद ही अपने पैसे बनाना शुरू कर दूं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल मैंने यही कहा था कि मैं प्रोड्यूसर। हाँ जनाब, मैं आदमी सोच के जवाब देना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे इंसान हैं जिनको सोच के जवाब नहीं देंगे तो आप कुछ भी पकड़ सकते हैं। आपका काम ये है, तो इसलिए मैं थोड़ा सोच लूं तो चलेगा। पहले गलती से कह दिया था? नहीं, बिल्कुल नहीं, गलती से बिल्कुल नहीं कहा था। मैंने यही सोचा हुआ था कि मैं जिंदगी में कभी प्रोड्यूसर नहीं बनूंगा। फिर उसके बाद जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, चलता गया, मैंने देखा अब समय बराबर है कि मैं अपनी फिल्में खुद बना सकता हूं, क्योंकि एक्सपीरियंस भी नाम की कोई चीज है। मेरे को आज 20 साल हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर, और उसके बाद जाके मैं प्रोड्यूसर बना हूं। हर चीज की नॉलेज रखता हूं, किस हिसाब से कैसे किया जाए, प्रोडक्शन के बारे में बहुत जानकारी रखता हूं, कितनी फिल्म कितने बजट में बननी चाहिए, क्या है, सब कुछ है, ये सब कुछ जानता हूं। तो इसीलिए मैं प्रोड्यूसर बना। तो आपको डायरेक्शन कब करना शुरू करेंगे? फिलहाल अब मैं आपके ये प्रोग्राम में कहूंगा कि मैं डायरेक्टर नहीं बनना चाहता अभी तो, लेकिन आगे हो सकता है ये पांचवी बार मैं आपके साथ बैठा हूं, हो सकता है दसवीं बार में मैं डायरेक्टर हूं, और उस वक्त आप मुझे फिर पूछेंगे पांचवे वाले में आपने कहा था कि मैं आप डायरेक्टर नहीं बनोगे, तो आप डायरेक्शन के लिए अभी तैयार नहीं? अभी तक अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं साजिद खान से या किसी और से? नहीं जी, मैं ट्रेनिंग नहीं ले रहा हूं अभी फिलहाल। मैं एज एन एक्टर और एज ए प्रोड्यूसर, हर एक्टर के साथ एक ना एक एक्ट्रेस जुड़ जाती है जिसके वजह से सक्सेस मिलती है फिल्म में। और किसी चीज में नहीं कह रहा मैं आपको, क्योंकि आपके आगे पीछे कई नाम जुड़ जाते हैं जी, पर केवल प्रोफेशनल की बात कर रहा हूं। आपकी हर फिल्म जिसमें सक्सेसफुल हुई है उसमें कैटरीना सबसे ज्यादा है, तो आप फिर अपनी बाकी फिल्म में कैटरीना क्यों नहीं ले रहे जो बना रहे हैं? जी वो हो जाता है कि ऐसा इत्तेफाक है कि जो फिल्मों में वो हैं, वो फिल्में चली हैं, काफी चली हैं हमारे साथ, उनका साथ 100% रिजल्ट रहा है। बाकियों के साथ भी रहा है, ऐसी बात नहीं है कि बाकियों के साथ नहीं रहा है, लेकिन फिलहाल जैसे आपने आपका पहला सवाल था, जैसे आपको हमेशा रहता है कि हम अपने जो जिनको भी सवाल पूछे उनको थोड़ा गिराया जाए कि 2009 आपका हाउसफुल नहीं रहा, तो आइए प्रभु चावला जी पूछेंगे हमारे 30 मार खां से, तो उसी हिसाब से मैं आपको बोलूं कि पिछले साल नहीं रहा ठीक। उसमें चाहे कैटरीना भी थी एक फिल्म के अंदर, भले ही छोटे रोल के, वो भी नहीं चली, वो भी इतनी खास नहीं, छोटे रोल में थी ना इसलिए चली। हाँ, ग्लैमर है उनका, क्योंकि कई बार होता है लड़कियों की वजह से फिल्म चल जाती है, पर अकी के साथ जो भी लड़की चलती है वो सक्सेसफुल हो जाती है। चलो, ये आपका बड़प्पन है जो उनका है, उनका जो भी आपके साथ काम किया वो फेमस हो गया। हाँ बिल्कुल, बहुत सारी हीरोइनों के साथ मैंने काम किया। पहली बार जब भी मैं उनके साथ काम करता हूँ वो काफी चलती हैं, चाहे वो बिपाशा जी हों, उनकी पहली फिल्म मेरे साथ ही थी। लारा भी उतनी सक्सेसफुल नहीं हुई, उतनी फेमस नहीं है जितनी कैटरीना हो गई या प्रियंका चोपड़ा हो गई। हर इंसान अपने अपनी किस्मत लेके आता है, लेकिन आपकी अपनी 30 मार खां जो फिल्म है जी, उसमें फारा खान ने सब कुछ किया, वो चाहती थी प्रियंका चोपड़ा को, आपने कहा नहीं कैटरीना चाहिए मेरे को। नहीं, वो गलत न्यूज है, जो आपने सुना जहां भी आपने पढ़ा, जो वो गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं था।